एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 29 अगस्त को निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रथम, द्वितीय एवं बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। शिविर का समय सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों को कोविड की तीसरी लहर से सुरक्षित रखने बचाने एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा अस्पताल परिसर में आगामी 29 अगस्त को निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रथम, द्वितीय एवं बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। टीकाकरण 12 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं का किया जाएगा। सभी आयु वर्ग के लोग निःशुल्क टीकाकरण शिविर का लाभ उठा सकते हैं। वैक्सीनेशन का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। टीकाकरण की जानकारी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख एवं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर विजय गावंडे ने दी। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में पदस्थ हूँ। एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग की ओर से मैं यहाँ संदेश देना चाहता हूँ कि कोविड की बीमारी जो है अभी भी समाज में, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अभी भी प्रिवेलेंट है। किसी को गंभीर रूप से या किसी को हल्के रूप से कोविड की बीमारी अभी भी हो रहा है। और जैसा कि हमें सबको मालूम है कि कोविड की बीमारी से हम लोग बहुत ज़्यादा दो वर्षों से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई है और बहुत लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन से उभर के वो आए हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे एसआर हॉस्पिटल में दिनांक 29 अगस्त को सवेरे 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक निःशुल्क कोविड टीकाकरण का शिविर लगाया जाएगा, जिसमें कि 12 वर्ष से उम्र के सभी बच्चे, महिलाएं, वयस्क एवं बुजुर्ग सभी लोग इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। जिन्होंने पहला टीका नहीं लगाया है, जिन्होंने दूसरा टीका नहीं लगाया है या जिनको बूस्टर डोज नहीं लगा है, वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से टीकाकरण के लिए यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। उनका यहाँ पे स्वागत है टीकाकरण के लिए। और मैं यह चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता अधिक से अधिक इस टीकाकरण शिविर का लाभ उठावे। मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थीसिया तथा क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 2 सालों में कोरोना ने देश में काफ़ी बर्बादी मचाई हुई है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, दोस्तों को खोया है। भारत सरकार द्वारा जो टीकाकरण अभियान चलाया गया, उससे देशवासियों को काफ़ी राहत मिली है। इससे कोरोना से ग्रसित मरीजों में बीमारी के लक्षण कई हद तक कम हुए हैं तथा कई मरीजों की जान बचने में फ़ायदा मिला है। तो अभी जब तीसरी लहर कोरोना की आई है, तो इसमें भी भारत सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान चला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टीकाकरण अभियान को जारी रखते हुए एसआर अस्पताल में 29 अगस्त को निःशुल्क टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 वर्ष उम्र से अधिक सभी प्रकार के नागरिकों को, महिला, बच्चे तथा वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा है, इनको प्रथम डोज, द्वितीय डोज या फिर जिनको पहले दोनों लग चुके हैं, उसमें बूस्टर डोज की भी सुविधा उपलब्ध की जा रही है। ये सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि इस सुविधा का लाभ उठाएं। किसी भी असुविधा से बचने के लिए अस्पताल में फ़ोन करके या व्यक्तिगत तरीके से पधारें तथा प्रथम पंजीयन कराएं, जिससे आपको टीकाकरण का लाभ मिल सके। मैं विजय गावंडे, एसआर हॉस्पिटल से नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ। समस्त जनता से मेरी यह अपील है कि आने वाले 29 अगस्त को हमारे हॉस्पिटल में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें सभी जनता से अपील करता हूँ कि जो लोग फर्स्ट, सेकंड या बूस्टर डोज नहीं ले सके हैं, वे कृपया यहाँ पर आकर बूस्टर डोज ले सकते हैं। आते वक्त आधार कार्ड लाना जरूरी है और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग उठाएंगे, इसी आशा के साथ। शिविर निःशुल्क रखा गया है, इसमें किसी भी तरह का चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा। सो आप आइए, क्योंकि कोविड फिर से थोड़ा सा फैल रहा है,
और आपसे अपील है कि आप आकर इसका प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं, फर्स्ट डोज ले सकते हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया वे सभी डोज यहाँ पर आपके लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की उपलब्ध रहेगी। बहरहाल कोविड की चपेट में आने से बचने लोगों का वैक्सीनेट होना अनिवार्य है। इसी के मद्देनजर SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।